पुन्नी ग्रेन क्रूजर कंबाइन के साथ आपको एक कटर बार और एक बास्केट टोकरी मूंगफली को छोड़कर बाकी सभी तरह की फसलें निकाल सकते हैं। एसी कैबिन लेना चाहते हैं तो एसी कैबिन भी उपलब्ध है, तो बॉक्स भी लग जाता है, लोन सुविधा भी उपलब्ध। तो इसका स्टेयरिंग है वो भी एडजस्टेबल दिया गया है, वो भी फुली ऑटोमेटिक दिया गया है। तो ये डबल वाला जैक 4x4 की सापट है। नमस्कार किसान साथियों, पुन्नी टवाणा में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुन्नी ग्रेन क्रूजर कंबाइन, यानी भारत की पहली साथ में भूसा बनाने वाली कंबाइन। किसान साथियों, यह भारत की पहली ऐसी कंबाइन है जो पूर्ण सफल रही है। इसकी सफलता के बाद बहुत सारी कंपनियों ने इसमें कदम रखा, लेकिन आज भी पुन्नी कंपनी की भूसा बनाने वाली कंबाइन सबसे अलग है और सबसे बेहतरीन है। इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, सबसे अलग क्यों है, इसकी पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस कंबाइन के साथ आपको एक कटर बार और एक बास्केट टोकरी दी जाती है। किसान साथियों, इस बास्केट टोकरी की मदद से आप दलहन फसलें या फिर कहें कि कटी हुई फसलें बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इस बास्केट टोकरी की सहायता से आप इसको एज ए थ्रेसर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और थ्रेसर से भी आधी लेबर के साथ थ्रेसर से ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसका फीडर है वो 51 इंची दिया गया है। इस फीडर के अंदर आपको 4 चैन देखने को मिलेंगी। ज्यादा चैने होने के कारण किसान साथियों, इस कंबाइन का अदर कंबाइन के मुकाबले इनटेक ज्यादा अच्छा रहता है। इस कंबाइन से आप मूंगफली को छोड़कर बाकी सभी तरह की फसलें निकाल सकते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, धान भी निकाल सकते हैं। किसान साथियों, इस कंबाइन में आप अपनी सुविधा अनुसार अगर एसी कैबिन लेना चाहते हैं तो एसी कैबिन भी उपलब्ध है, 4x4 करवाना चाहते हैं तो 4x4 भी हो जाएगा। कुछ किसान साथी को रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें भूसे की ट्रॉली नहीं लगानी, बॉक्स लगवाना है, तो बॉक्स भी लग जाता है। अपनी सुविधा अनुसार इसमें इंजन, किसी को अगर 101 एचपी का चाहिए तो 101 एचपी भी आप इसमें ले सकते हैं। यानी अपनी सुविधा अनुसार किसान को जैसा चाहे आप उसी तरह से इसको तैयार करवा सकते हैं। इस कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है। आप किसी भी बैंक ब्रांच जैसे SBI, PNB, कोटक, महिंद्रा, इंडसलैंड बैंक या अन्य प्राइवेट जो भी बैंकें होती हैं, जैसे श्रीराम, चोला मंडलम, किसी भी बैंक ब्रांच में आपके जो नज़दीक है वहां पे जाके आप इसका लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह की लोन अप्लाई करने में समस्या है तो हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ किसान साथियों, जो इसके टायर हैं वो 18/4/30 के आगे वाले दिए गए हैं, पीछे के टायर 916 के रहेंगे और कटर बार के टायर भी 916 के रहेंगे। किसान साथियों, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पौड़ी है वो भी फोल्डेबल दी गई है, ताकि तंग रास्तों में निकलते समय ड्राइवर को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, आसानी से इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसका स्टेयरिंग है वो भी एडजस्टेबल दिया गया है। ड्राइवर अपनी सुविधा अनुसार इस स्टेयरिंग को ऐसे आगे पीछे कर सकता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इसकी जो ड्राइवर सीट है वो भी एडजस्टेबल दी गई है। इस सीट को आप ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे नीचे हो गई, अब इसमें हम आगे पीछे, ये अपनी ड्राइवर अपनी सुविधा के अनुसार इसको जैसे चाहे ऐसे एडजस्ट कर सकता है, ताकि ड्राइवर को ज्यादा परेशानी ना हो। इस कंबाइन के अंदर एक स्मार्ट गियर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इसकी स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मल कंबाइन की स्पीड जो है वो 15 से 20 किलोमीटर की रहती है। ऐसी फैसिलिटी आपको किसी भी हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेगी। किसान साथियों, कभी कभी एकदम से मौसम खराब होने के कारण किसान का जो अनाज है वो खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी समस्या को देखते हुए किसान साथियों, पुन्नी ने इसका जो टैंक है वो पूरा कवर किया है, ताकि एकदम से जब मौसम खराब हो तो आपका अनाज जो है वो सेफ रहे। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो ग्रेन टैंक का डिस्चार्ज ऑगर है वो भी फुली ऑटोमेटिक दिया गया है। आपने अदर कंबाइन में देखा होगा कि जब कंबाइन हम खेत में एंटर करते हैं और चलाते हैं, उससे पहले ही उसका डिस्चार्ज ऑगर को खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर उसका जो अनाज है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये फुली ऑटोमेटिक दिया गया है कि जब आपकी टंकी फुल हो तभी आप इसको इस तरफ करके ट्रॉली के अंदर खाली कर सकते हैं। इससे किसान को ये फायदा रहता है, जब आप खेत में काम कर रहे हैं तो किसी पोल या पेड़ से टकराने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है।
क्योंकि वो जो नॉर्मल हार्वेस्टर का होता है वो बिल्कुल खुला रहता है, इसलिए ड्राइवर को बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। किसान साथियों, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कल्स प्लेट है वो भी 13 इंची फुली हैवी रहती है, जो कि अदर कंबाइन के अंदर आपको 12 इंची में देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसका ड्रम है वो 51 इंची दिया गया है, और जो इसका जो थ्रेसर होता है, थ्रेसर के ऊपर जो ब्लेड लगते हैं वो भी 7 इंची बड़े दिए गए हैं। उससे किसान का क्या फायदा है कि 7 इंची ब्लेड होने के कारण उसका ड्रम का जो डाया है वो बड़ा हो जाता है, किसी कारण से अगर आगे से इनपुट ज्यादा आ जाती है तो इसमें चोक होने की समस्या ना के बराबर रहती है। आपने देखा होगा कुछ कंपनियां बोलती हैं कि हम 11 नंबर सापट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आज भी पुन्नी कंपनी उनसे कहीं आगे है। इस कंबाइन के अंदर आप देख पा रहे होंगे सापट जो है वो 14 नंबर और बढ़िया कंपनी का बैरिंग साथ में देती है, सभी के सभी सापटे 14 नंबर रहती है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसका पीछे का हिस्सा है उसकी जो हब है वो भी जेसीबी वाली हब लगाई जाती है। इसका फायदा क्या है किसान साथियों, जो इसकी मोरनी है ना वो बहुत ज्यादा हैवी रहती है, आप कैसे भी इसको घुमाओ, कैसे भी ऊपर नीचे पटको, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। और एक खास बात किसान साथियों, जो इस पीछे का हिस्सा का जो जैक रहता है वो भी डबल वाला रहता है, किसी भी कंबाइन के अंदर आपको ये डबल वाला जैक देखने को नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, पीछे भूसे की ट्रैली को अटैच करने के लिए पीछे जो हेल्पर होता है उसकी आसानी के लिए इसमें पीछे लिफ्ट सिस्टम दिया है, ताकि जब हेल्पर एक हो तो आसानी से उसकी ट्रैली को अटैच कर सके और निकाल सके। यहीं पे साथ में ही इसका लिफ्ट का जो है वो लीवर दिया गया है, इसी से ही आप ट्रॉली को ऊपर नीचे करके अपनी सुविधा अनुसार उसको सेट कर सकते हैं। और एक बात किसान साथियों, इसी कंबाइन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि ट्रॉली का भूसा ट्रॉली ना लगाकर बॉक्स लगाएं, तो वो फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर किसान साथी को बॉक्स की आवश्यकता है तो इसी में बॉक्स लग जाता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, अगर आपको इस कंबाइन को 4x4 बनाना है तो वो भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि कंपनी पहले से ही गियर के अंदर 4x4 का सिस्टम लगा के देती है। वो जो आप झेरी वाला देख रहे हैं वो 4x4 की सापट है। जब भी आपको 4x4 करनी है, मात्र 6 बोल्ट, ये 6 उस साइड के बोल्ट खोल के ट्यूब चेंज हो जाएगी और वो सापट के अंदर सापट अटैच हो जाएगी, इससे किसान को कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, अदर कंबाइन के मुकाबले इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके ऊपर भी खास ख्याल रखा गया है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छी खासी रखी गई है। इसी में आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, जिसका एयर टैंक है वो भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर 200 से 250 पॉइंट तक हवा स्टोर हो जाती है। इसका क्या बेनिफिट रहता है किसान साथियों, जैसे बड़े टायरों में हवा भरना है या मशीन की सफाई करनी है तो कंबाइन को आपको स्टार्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, कंबाइन बंद रहने पर भी आप इसकी हवा व सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे बास्केट टोकरी के साथ जो कटर बार दिया जाता है, कटर बार भी 12 फीट का दिया जाता है और इस कटर बार के अंदर एक मोटर लगाई जाती है। इस मोटर की सहायता से किसान साथियों, जब आप खेत में काम कर रहे हैं, कोई ईंट पत्थर ब्लेड के अंदर आ जाता है तो वहीं पे ब्लेड को ये रोक देता है, जिससे आपका बड़ा नुकसान होने से बचता है और किसान का फायदा रहता है। किसान साथियों, और भी बहुत सारी इसके अंदर खूबियां हैं, छोटी छोटी, जो जैसे ये ब्लोअर फैन दिया गया है ताकि ड्राइवर के ऊपर डस्ट या मतलब धूल ना जाए, ये पाइप दी गई है हाइड्रोलिक पाइप ताकि ड्राइवर अपनी सुविधा अनुसार रेल को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है, और भी बहुत सारी खूबियां हैं जो हम सभी वीडियो के माध्यम से आपको अगर बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और हम नहीं चाहते कि ज्यादा समय आपका खराब हो। किसान साथियों, ये थी पुन्नी की ग्रेन क्रूजर कंबाइन हार्वेस्टर, यानी साथ में भूसा बनाने वाली कंबाइन 2023 मॉडल की कुछ खूबियां। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।